क्लास 12 के सॉलिड स्टेट जो कि पहला चैप्टर है इस पे बात करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग सारे चैप्टर को वीडियो वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉलिड स्टेट की बात की जाए। जैसा कि आप सबको पता है, नाम खुद ही इंडिकेट करता है चैप्टर के बारे में। सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी जो होती हैं जिन्हें रिजिड आप बोल सकते हैं, आपके दिमाग में आ जाएगा रिजिड। रिजिड यानी टफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सॉलिड इतना रिजिड क्यों होता है, इतना टफ क्यों होता है? तो इसका सही रीज़न ये है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं तकरीबन क्लास 8-9 में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही क्लोजली अटैच होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बहुत क्लोजली अटैच होते हैं एक दूसरे से। और जब ये क्लोजली अटैच होते हैं एक दूसरे से तो इनको मूव करने के लिए कोई जगह नहीं बची रहती। आप देखिए, खुद देखिए कि ये जो पार्टिकल्स हैं इन्हें मूव करने के लिए कोई जगह बची नहीं है। और जब ये मूव नहीं कर पाते तो एक जगह रिजिड हो जाते हैं। एक जगह क्या हो जाते हैं? रिजिड हो जाते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि इसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब आप पूछेंगे कि इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो ये मैं आपको बता दूं कि इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो ग्लू है जिससे एटम आपस में चिपके रहते हैं। और ये इतना पावरफुल ग्लू है जो एटम को चिपका के रखता है, इतना टाइटली चिपका के रखता है कि वो दूर जा ही नहीं पाते। और जब दूर जा ही नहीं पाएंगे तो ऐसे क्या होगा, फिर एटम्स एक साथ में चिपके रह जाएंगे और ये एटम रिजिड बन जाते हैं। और यही कारण है कि सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है। तो जनरली सॉलिड के अंदर इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और यही इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से सॉलिड रिजिड होते हैं। लेकिन आज की जो स्टडी है सिर्फ रिजिडिटी के बारे में नहीं है, हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप के ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं, और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप की है। हम लोग ये भी बात करेंगे कि सॉलिड अलग अलग होते हुए उनके अलग अलग बिहेवियर कैसे होते हैं, ये सारा डिस्कशन आज की क्लास में होगा। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की। हमने देखा कि सॉलिड स्टेट, सॉलिड का मतलब होता है कि रिजिड, कोई चीज़ रिजिड हो या टफ हो उसे हम सॉलिड कहते हैं। सॉलिड सॉलिड क्यों होता है? इसका कारण यही है कि उसके इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये बात हमने जान ली। अब इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वही लिक्विड के केस में अगर आप देखेंगे, वही लिक्विड के केस में, तो लिक्विड के एटम्स थोड़े दूर होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन लिक्विड देयर एटम्स आर लिटिल फार अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड यही रीज़न है कि लिक्विड में फ्लूडिटी पाई जाती है, उनके एटम्स हियर एंड देयर मूव कर सकते हैं, और यही कारण है कि दे स्लिप ओवर ईच अदर एंड दे मूव, और लिक्विड में फ्लूडिटी पाई जाती है। और सॉलिड में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सॉलिड के एटम जो होते हैं वो बहुत पास पास होने की वजह से वो मूव नहीं कर पाते। अब मेरा अगला सवाल आप सबसे है कि अगर सॉलिड के जो एटम्स हैं, अगर सॉलिड के जो एटम्स हैं वो इतने पास पास हैं तो क्या वो बिल्कुल मोशन नहीं करते होंगे, कोई भी मोशन नहीं करते होंगे? तो ये जवाब इसका ये होगा कि नहीं, दे डू मोशन। विच टाइप ऑफ मोशन दे डू? दे डू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या करते हैं? वो वाइब्रेशन करते हैं। दे डू टू एंड फ्रो मोशन। फ्रो मोशन दे वाइब्रेट एट देयर ओन प्लेस, एट देयर ओन प्लेस दे वाइब्रेट एट देयर ओन प्लेस। सो ये जानने वाली बात है कि इनके जो एटम होते हैं, इनके जो एटम वो फिक्स तो हो गए, चलिए कोई बात नहीं, ये फिक्स हो गए, रिजिड हो गए, लेकिन ये अपनी जगह से मूव नहीं करते। दे नेवर मूव फ्रॉम हियर एंड देयर, बट दे
वाइब्रेट इन देयर ओन पोजिशन, दे वाइब्रेट इन देयर ओन पोजिशन। और यही कारण होता है एक कि सॉलिड के अंदर साउंड जो होता है, साउंड वो बहुत इजीली ट्रेवल करता है, बहुत आसानी से ट्रेवल करता है एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में सॉलिड के अंदर, इवन गैस में भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं, तो लिक्विड सॉलिड गैस के कंपैरिजन में सॉलिड के अंदर साउंड बहुत तेज़ी से ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि साउंड खुद ही एक वाइब्रेशन है, और जैसे ही इसके अंदर आता है और इनके पार्टिकल अटैच मिलते हैं, उसको एक मीडियम मिल जाता है और बहुत आसानी से पास हो सकता है। आप इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो आप अपने स्टडी टेबल पे खुद ही कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका स्टडी टेबल है, आप अपना कान लगाकर यहाँ रखिए और दूसरे हाथ से यहाँ पर बहुत धीरे से नॉक कीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने कितनी बार नॉक किया, या किसी दूसरे दोस्त को कहिए कि धीरे से नॉक करे जिसकी आवाज़ आपको ना सुनाई दे, और आप जैसे ही वो नॉक करेगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसने कितनी बार नॉक किया। लेकिन वही चीज़ आपको लिक्विड में नहीं सुनाई देगी, वही चीज़ आपको गैसेस में नहीं सुनाई देगी। तो कारण ये है कि सॉलिड के अंदर रिजिडिटी पाई जाती है। पहला पॉइंट हमने सीख लिया कि सॉलिड कंटेन रिजिडिटी, सॉलिड के अंदर रिजिडिटी होती है। इसका कारण क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कारण है इसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी हाई। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उनके एटम बहुत पास में होते हैं, और जब उनके एटम बहुत पास होंगे तो फिर क्या होगा, वो रिजिड होंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, फिक्स्ड शेप एंड साइज, उनके साइज और शेप जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं। अब इसका क्या रीज़न है? सिंपल सी बात मैंने ये बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल इतने टाइटली अट्रैक्ट होते हैं कि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव ही नहीं कर सकते, और जब नहीं मूव कर सकते हैं तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो एक जगह फिक्स रहेंगे, और जब फिक्स रहेंगे तो उनके शेप और साइज़, अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टलाइन है तो वैसे ही क्रिस्टल जैसे, बॉक्स जैसे, क्यूबिक जैसे, जो भी शेप होगा वो उस शेप में वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमें समझ में आ गया, दे आर हैविंग फिक्स्ड शेप एंड साइज, दो चीज़ें हमने सीख ली। तीसरी चीज़ कि अगर आप खुद सोचिए, अगर कोई सॉलिड है, प्योर सॉलिड है जो प्रॉपरली अरेंज्ड है और जिनके एटम्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन ऑल एटम्स आर इक्वल, देन अगर आप इनको हीट करते हैं, मान लीजिए कि इसकी इनकी बॉन्ड एनर्जी 10 किलो जूल्स की है, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, 10 किलो जूल्स की है इनकी वैल्यू, इनकी बॉन्ड एनर्जी वैल्यू, अगर आपने हीट किया, हीट करते ही जैसे ही आप 10 किलो जूल्स को ओवरकम करेंगे, मीन्स एज यू रीच द 10 किलो जूल्स एंड गोइंग अबाव, यू विल बी फाइंडिंग दैट ऑल एटॉमिक्स बॉन्ड्स हियर, ऑल एटम्स बॉन्ड हियर, दे विल ब्रेक एट द सेम टाइम, एंड व्हाट विल हैपन, यू विल बी गेटिंग द शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यू विल बी गेटिंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सॉलिड के अंदर एक तीसरी प्रॉपर्टी भी है, उनके अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे हैव रिजिडिटी, दे हैव फिक्स शेप एंड साइज, दे आर हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बातें तो हमने सीख ली, ये हमने पहले ही पुरानी कक्षाओं में भी सीखा होगा, मतलब इन ग्रेड एट की बात किया जाए, नाइन्थ की बात किया जाए, तो हमने पुरानी कक्षाओं में भी ये चीज़ सीखी होगी। अब चलिए बात करते हैं कि क्या सारे के सारे सॉलिड जो होते हैं वो सेम टाइप के सॉलिड होते हैं, ऑल टाइप ऑफ सॉलिड्स आर सेम टाइप ऑफ सॉलिड, और इज देयर एनी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर प्रेजेंट। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि सॉलिड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उनके पार्टिकल का अरेंजमेंट। अगर पार्टिकल के अरेंजमेंट बिगड़ जाते हैं
तो उनकी प्रॉपर्टी में भी फर्क आता है। अगर उनके बॉन्ड, ये जो बॉन्ड हैं, वो बॉन्ड अलग अलग टाइप के हो जाएं तो भी उनमें फर्क आएगा। अगर मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं, ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट, ए स्टूडेंट का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके सॉलिड का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और बी स्टूडेंट के सॉलिड का बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा वीक है। मान लीजिए अलग टाइप का बॉन्ड है और थोड़ा वीक है, तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि ये जो सॉलिड होगा वो इतना रिजिड नहीं होगा जितना ये होगा। ये सॉलिड जो है आसानी से टूट जाएगा, मतलब इसकी मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाएगी, जल्दी से टूट जाएगा, ये वाला सॉलिड नहीं टूटेगा। प्रॉबेबली इनके अरेंजमेंट अगर रैंडम है तो भी इनके प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे। तो कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम वी कैन क्लासीफाई द सॉलिड। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज वॉट द टाइप ऑफ सॉलिड। देर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड्स, नेमली क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अभी अगर आप देखेंगे तो सॉलिड के दो मेजर टाइप हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। पहले हम सब बात कर लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो टाइप वन है, सॉलिड का टाइप वन है जिसको हम जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें उनके एटम्स, जिस सॉलिड के एटम्स परफेक्टली ऑर्गेनाइज होते हैं और दे आर अरेंज इन अ प्रॉपर रिपीटेटिंग फैशन, मतलब एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, एक ये वाला बनाया मैंने एटम, फिर दूसरा वाला एटम बनाया, तो एक के नीचे एक, ये प्रॉपरली अरेंज सीक्वेंस में है। अगर ये प्रॉपरली अरेंज सीक्वेंस में है तो आप सोचेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो काफ़ी हद तक इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होगी, उनके शेप एंड साइज प्रॉपरली डिटरमाइंड होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ सॉलिड वेयर द एटम्स आर अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर। सो देयर इज अ रेगुलैरिटी, देयर इज अ रेगुलैरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन देयर एटॉमिक पार्टिकल्स, वट एवर द एटम्स आर देयर, वट एवर द पार्टिकल्स आर देयर, आई विल बी नॉट स्टिक ओवर हियर विद एटम ओनली, हियर वट एवर द पार्टिकल्स आर देयर, दे आर अरेंज इन अ प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर। द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्सटेंड ओवर द लॉन्ग रेंज। सो ओवर द लॉन्ग रेंज इट मीन्स दैट सपोज इफ देयर इज वट थ्री layers are in a proper sequential manner, but if you are getting after that they get disturbed, if they are getting disturbed, okay, so if they are getting disturbed it means you are getting a very short term range of repetition, means here these half of the particles will be showing the different property and half will be the showing the same property. So here these type of solids are different type. Why? Because their atomic arrangements are not in a sequential manner in complete in or we can say in long range. The long range means what? The entire crystal is having the sequential manner or regularities. So in case of crystalline solid, they have sharp melting point and boiling point. I told you already, if they are properly arranged, so obviously they are going to have a sharp melting point and boiling point, and they are going to melt at definite temperature. They are going to melt at what? Definite temperature. Definite temperature ka matlab maine bola tha ki wo fixed temperature pe kya hote hain, melt hote hain. Theek hai, itni baatein aapko samajh mein aa gayi. Teesri properties ki hai, bahut khaas property hai. All crystalline substances except those having the cubic structure are anisotropic. Anisotropic का मतलब ये है, आप इस डायग्राम को देखिए पहले, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आता है कि एटम्स ऐसे अरेंज हुए हैं. देखिए यहाँ पर एटम्स अरेंज हैं, राइट. सो एक आप रेड वाले को मान लीजिए पार्टिकल पार्टिकल और वन और सॉरी ब्लू वन इज़ द पार्टिकल वन एंड दिस इज द पार्टिकल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं. तो अगर आप इस मैनर में मेज़र करेंगे, मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे मेज़र करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है कि
मुझे ये मिल रहा है कि ये देखिए इसके ब्लू ब्लू सारे ब्लू डॉट्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं जैसे बी को मेज़र किया गया है, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखें कि बी को जैसे मेज़र किया गया ए टू बी, तो आप देखेंगे सारे रेड वाले मिल रहे हैं, और अगर मैंने ई और एफ़ के डायरेक्शन में मैं मेज़र कर रहा हूँ तो मुझे एक कैटायन और एनायन, आप ऐसे अज्यूम कीजिए कि रेड वाला जो है वो अनायन है और ब्लू वाला है वो कैटायन है, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव एंड पॉजिटिव, मीन्स ये टोटल न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, मतलब ई से लेके एफ तक अगर आप देखेंगे तो उनके एटम पॉजिटिव निगेटिव होके अट्रैक्शन होके टाइटली बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ए से बी के तरफ आप मेज़र कीजिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ निगेटिव 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 निगेटिव, तो निगेटिव 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 एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और क्या बन रहा है इनका, इनमें रिपल्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिपल्शन, ठीक है रिपल्शन हो रहा है, तो एनिसोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी है कि व्हेन यू आर अरेंजिंग दी एटम्स, व्हेन यू लाइक इफ इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड इफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डन फॉर एनी पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इफ यू मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट देन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंजेस, इफ योर मेजरमेंट इज डन इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ अरेंजमेंट देन योर फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंज, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल एज एन आइसोट्रॉपी, सो वट वी कैन से इन अदर वर्ड्स देयर प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट्सेट्रा आर डिफरेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, if you will measure in different direction so obviously their property will change because there is some of the repulsive forces and attractive forces, okay, so due to these forces you are getting the different direction of arrangement and that is what anisotropy. Ice, salt such as NaCl, metal such as sodium, gold, copper and material such as diamond, ग्रेफाइट, सेरामिक आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके सो ये सारे लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं एक दूसरा टाइप, जो दूसरी टाइप की बात हम लोग कर रहे थे कि अमॉर्फस सॉलिड. अमॉर्फस सॉलिड को हम फेक सॉलिड भी बोलते हैं, जो सॉलिड जैसा दिखता तो है बट असलियत में सॉलिड की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. सॉलिड की प्रॉपर्टी को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता है. जैसे इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, कुछ हद तक अभी यहाँ से देखिए, ये देखिए ये अरेंजमेंट बराबर है, अरेंजमेंट बराबर है, अरेंजमेंट बराबर है, यहाँ से अरेंजमेंट बिगड़ने लगा, दिखा आपको यहाँ से अरेंजमेंट बिगड़ने लगा, यहाँ पर देखिए कुछ हद तक अरेंजमेंट सही रह रहा है फिर बिगड़ जा रहा है, कुछ हद तक अरेंजमेंट सही रह रहा और फिर थोड़ी देर में बिगड़ जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें लॉन्ग रेंज तक रिपीटेटिंग पैटर्न नहीं मिलेगा. ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज जो मैं बता रहा था तो वो इसी बारे में बता रहा था कि आपको रिपीटेशन तो मिलेंगे लेकिन रिपीटेशन लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते. कुछ हद तक थोड़े रिपीटेशन हो जाएंगे फिर बिगड़ जाएगा, फिर रिपीटेशन हो जाएगा फिर बिगड़ जाएगा, ऐसे करके इनके रिपीटेशन होते हैं. सो अमॉर्फस सॉलिड्स आर वॉट, अमॉर्फस सॉलिड्स आर द सॉलिड इन विच देयर एटम्स आर रैंडमली अरेंज, दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज एंड ड्यू टू दैट, उसका रीज़न आप समझ गए होंगे कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसमें जिनके एटम रैंडमली अरेंज हैं, ऐसे केसेस में उनमें क्या होने वाला है, उनमें उनके ऑर्डर फिक्स नहीं होंगे और एंड दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने की वजह से क्या होगा कि उनको उनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे फिक्स टेम्परेचर पर नहीं होगा, वो क्या होगा कि एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होगा, देर विल बी इंटरवल टेम्परेचर इंटरवल, ओके ऑन हीटिंग अमॉर्फस सॉलिड ग्रेजुअली एंड कॉन्टिन्यूसली सॉफ्टन एंड स्टार्ट फ्लो, ओके तो जैसे ही आप उनको हीट करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होंगे. क्यों? क्योंकि कुछ के बॉन्ड टूटेंगे और कुछ के बॉन्ड नहीं टूटेंगे. जब कुछ के बॉन्ड टूटेंगे और कुछ के बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो आपको प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगी, इसमें आपको रेंज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट मिलती है. क्या मिलती है? रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो हम लोग सॉलिड के बारे में बात कर रहे थे. कुछ और भी टर्मिनोलॉजी हैं. दीज सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दीज सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक. अब देख लेते हैं आइसोट्रॉपिक क्या होता है. आइसोट्रॉपिक इन अदर वर्ड्स देयर प्रॉपर्टीज सच एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कंडक्टिविटी आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। ये बात भी सही है, अगर उन्हीं का पता हमें पता ही नहीं है कि इनका कोई डायरेक्शन है कि नहीं है, अगर इनका डायरेक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा? जब डायरेक्शन पता ही नहीं है तो इन ये आइसोट्रॉपिक ही होंगे, क्योंकि एनआइसोट्रॉपी के लिए डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है, लॉन्ग रेंज तक अरेंजमेंट का होना ज़रूरी है। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड सम मैग्नीट्यूड ऑफ एनी प्रॉपर्टीज इन एवरी डायरेक्शंस। ओके, सो सम प्रॉपर्टीज आर इन एवरी डायरेक्शंस। सो ये हम बात कर रहे थे आइसोट्रॉपिक की, दे डू नॉट हैव दी लॉन्ग रेंज एंड दैट्स अ रीज़न। अगले वीडियो नोट में हम बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ की जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, उनकी बात करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों तब तक के लिए इस टॉपिक को रीड कीजिएगा और अगले टॉपिक में हम मिलते हैं आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। आज के वीडियो नोट में इतना ही। थैंक यू।